प्रिय मित्रों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। प्रिय मित्रों, शनि 18 अप्रैल से होने जा रहे हैं वक्री। इन राशियों की खुलेगी किस्मत और प्रत्येक राशि पर इस वक्री होने का, शनि का वक्री होने का क्या प्रभाव पड़ेगा, तो मेष से लेकर मीन तक राशियों की हम चर्चा करेंगे। तो आप सभी से निवेदन ये है कि वीडियो को आप पूरा देखिएगा, और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो किन राशियों पर संकट आएगा और किन राशियों की किस्मत खुलेगी, आज हम इसी वीडियो में चर्चा करेंगे। हमारे ज्योतिष शास्त्र में शनि को सबसे पापी ग्रह माना जाता है, और पाप का कारक माने जाने वाले ग्रह शनि 18 अप्रैल 2018 को वक्री होने जा रहे हैं, जो कि 6 सितंबर तक इस अवस्था में रहने वाले हैं। और साथ ही साथ में इनका क्या प्रभाव रहेगा और इसके ऊपर सभी राशियों के ऊपर इसका क्या फर्क पड़ेगा, क्या असर रहेगा, हम सभी राशियों के ऊपर चर्चा करेंगे। शनि कुल मिलाकर 142 दिनों तक वक्री रहेंगे। इसके बाद मार्गी होंगे। ज्योतिष शास्त्र को एक ऐसा विज्ञान माना गया है जिसमें भविष्य में होने वाली कई घटनाओं या दिक्कतों के बारे में जाना जा सकता है। ज्योतिष की गणना पूरी तरह से ग्रहों की चाल के ऊपर आधारित होती है, और माना जाता है कि ग्रहों का चाल हमारे जीवन पर आधारित है। 18 अप्रैल को अक्षय तृतीया बुधवार के दिन कृतिका नक्षत्र में आयुष्मान योग तथा तेतिल करण की साक्षी में आ रही है, जबकि शनि कुल 142 दिनों के लिए वक्री होंगे। तो चलिए मित्रों, अब हम जानते हैं कि किन राशियों पर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो सबसे पहले आप वीडियो स्क्रीन के ऊपर मेष राशि देख रहे हो। मेष राशि वालों के लिए बता दें कि शनि इनके 10वें और 11वें भाव का स्वामी है। इसमें कैरियर में रुकावट आएगी। इस समय आपको परिश्रम करने की ज़रूरत है और अपना काम करने के तरीके को सही करना होगा। अगर तरीका गलत है तो उसे बदलना होगा। अगर सफलता नहीं मिल रही है किसी भी कार्य को लेकर, तो आपको तरीका बदलना होगा। फिर धीरे धीरे जो समय है मेष राशि के जातकों के लिए, वो अनुकूल होगा। नेक्स्ट राशि की हम बात करें तो वृषभ राशि है, और वृषभ राशि वालों को पारिवारिक जीवन में कष्ट हो सकता है। आपको परिवार वालों के साथ अपने रिश्ते को मधुर बनाने के लिए काफ़ी प्रयास करने होंगे। शिक्षा और कैरियर को लेकर भी आपको थोड़ी चिंता हो सकती है। इसके अलावा मानसिक तनाव भी हो सकता है, तो थोड़ा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। बीमारियां जो स्वास्थ्य हैं उसमें भी आपकी गिरावट आ सकती है, इसलिए थोड़ा अपने आप को संभाल कर रखें और अपना जो ख्याल है वो आप ज़रूर रखें, अन्यथा जो मतलब परेशानी है वो बढ़ सकती है। नेक्स्ट राशि की हम बात करते हैं, वो आप मिथुन देख रहे हो। इस समय शनि आपके सप्तम भाव में होकर वक्री हैं, जिसकी सीधी सप्तम दृष्टि लग्न पर पड़ रही है। जीवन साथी से अनबन के कारण मानसिक तनाव रह सकता है। वाहन चलाने में थोड़ी सावधानी बरतें, दुर्घटना घट सकती है। शनि वक्री होने से आपको फायदा होगा और आपका जो कार्यस्थल है, मतलब आपका जो कार्य है उसके ऊपर आपको अपार सफलता मिलेगी। इसलिए आप अपने कार्य में लगे रहें और पूरे दिल से, पूरी लगन से अपने कार्य में बने रहें, ज़रूर आपको जो सफलता है वो जल्दी मिल जाएगी। अगली राशि की हम बात करते हैं मित्रों, तो वो कर्क है। कर्क राशि वालों को शनि के वक्री होने से पारिवारिक मामलों में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। शनि आपके छठे भाव यानी रोग भाव में बैठकर वक्री हो रहा है, जिस कारण अचानक समस्याएं आ सकती हैं। रोग में वृद्धि व शादी लोगों का किसी अन्य से प्रेम प्रसंग हो सकता है, इसलिए थोड़ा ध्यान रखें और दाम्पत्य जीवन में मिठास बनाने की कोशिश करें। अगली राशि वीडियो स्क्रीन पर आप सिंह को देख रहे हो। इन राशि वाले लोगों के साल लव मैरिज के योग बन रहे हैं। शनि छठे व सातवें भाव का मालिक होकर पांचवें भाव में गोचर कर रहा है। शनि के वक्री होने से जीवनसाथी से तनाव, कार्य व व्यवसाय को लेकर टेंशन, खर्चों में वृद्धि, लाभ में कमी, समस्याएं बन सकती है। हालांकि कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। कुल मिलाकर इनके लिए गोचर अच्छा है। आपको थोड़ी मेहनत की ज़रूरत है और दिमाग लगाकर काम करने की ज़रूरत है। सफलता ज़रूर आपके कदम चूमेगी। अगली राशि हम कन्या की बात करते हैं। शनि पाँचवें व छठे भाव का स्वामी होकर चौथे भाव में गोचर कर रहा है, अतः शनि के वक्री होने से रोग में वृद्धि, पुराने प्रेम में खटपट, कार्यों में बाधाएं, संतान को लेकर कष्ट आदि प्रकार की समस्याएं हो सकती हैं। शनि का वक्री होना बहुत लाभदायक होगा।
कन्या राशि के जातकों, कहीं से धन की प्राप्ति भी हो सकती है, बस थोड़ा सा दिल से कार्य करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा धीरे धीरे। अगली राशि तुला आप देख रहे हो, तो तुला का वर्तमान में बात करें तो हम तीसरे भाव में गोचर करेगा शनि, इसलिए शनि के वक्री होने से मानसिक तनाव, प्रेम वर्गी के आपस में झगड़े, घरेलू कार्य में देरी होने से जीवनसाथी से तनाव, माता के स्वास्थ्य में कमी, शिक्षा के क्षेत्र में बाधाएं आदि बनी रहेगी। तुला राशि वाले लोग दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ें, जरूर सफलता मिलेगी। नेक्स्ट वृश्चिक राशि की बात करते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए शनि के दूसरे भाव में गोचर कर रहा है, वाहन सुख में कमी, माता का स्वास्थ्य प्रभावित होगा, नौजवान वाहन सावधानी से चलाएं वरना दुर्घटना घट सकती है। कुछ लोग जीवन में परिवर्तित होने के योग बन रहे हैं, इन लोगों के जीवन में पारिवारिक अशांति बढ़ सकती है, उसकी संभावना बन रही है। आपसी रिश्तों में भी थोड़ी दरार आ सकती है, इसलिए थोड़ा ध्यान रखें, आपस में थोड़ा मनमुटाव हो सकता है। अगली राशि की हम बात करते हैं, तो वो अगली राशि वीडियो स्क्रीन पर आप धनु देख रहे हो। इस समय आपको मानसिक तनाव और समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। शनि आपके लग्न में गोचर कर रहा है, शनि के वक्री होने से जीवन के साथी से नोकझोंक, आत्मबल में कमी, करियर व्यवसाय में उलझने, विवर्त की यात्राएं आदि में आपकी समस्या बनेंगी, तो थोड़ा ध्यान रखें, वाहन वगैरह है वो थोड़ा सावधानी से चलाएं, अन्यथा कोई दुर्घटना घट सकती है। और शिक्षा और साथ ही साथ में अगर करियर को लेकर दिक्कत है तो उसमें थोड़ा अपने आप को संभाल कर रखें, समय आने पर जो समस्याएं हैं उनका समाधान हो जाएगा। अगली राशि की हम बात करते हैं मित्रों, तो वो आप वीडियो स्क्रीन के ऊपर मकर को देख रहे हो। मकर राशि वालों की स्वास्थ्य संबंधी समस्या परेशान कर सकती है, इस दौरान आपको धन हानि हो सकती है, थोड़ा सचेत रहें। इस साल आपके खर्चों में वृद्धि हो सकती है, आपके विदेश यात्रा के योग भी बन रहे हैं जो कि बहुत अच्छे हैं। विदेश यात्रा आपकी हो सकती है लेकिन खर्चों में वृद्धि अधिक हो सकती है, थोड़ा खर्चे पर आप नियंत्रण रखें और अपने आप को संभाल कर रखें, धीरे धीरे सब कुछ ठीक होने लगेगा। और जो चीज़ें कुछ समय पहले आपके अनुकूल थी, सॉरी विपरीत थी, वो आपके धीरे धीरे अनुकूल हो जाएंगी और समस्याओं का अपने आप जो समाधान है वो धीरे 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 बनता चला जाएगा। अगली हम बात करते हैं कुंभ राशि की, तो शनि के वक्री होने से कुंभ राशि के लोगों को कहीं से धन प्राप्त हो सकता है। वर्तमान में शनि आपके लाभ भाव में वक्री हो रहा है, मानसिक समस्याएं थोड़ी रहेंगी, आर्थिक लेन देन में आप थोड़ी सावधानी बरतें, अगर कोई पुराना वाद विवाद चल रहा है तो वो निपट जाएगा, और अगर कोई लेन देन आपका है पुराना तो आप उस पर थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि इसमें आपको थोड़ी सावधानी बरतने की ज़रूरत है, अन्यथा जो पैसों को लेकर आपको हानि हो सकती है। किसी अनजान व्यक्ति पर आप बिल्कुल भी भरोसा ना करें, पैसों का जो लेखा जोखा है वो संभाल कर आप रखें कुंभ राशि के जातक। अगली अंतिम राशि हमारी है वो मीन है। इस समय शनि आपके दसवें भाव में गोचर कर रहा है, नींद व सुख में कमी होगी, नींद को लेकर परेशानी हो सकती है, वाहन की क्षति हो सकती है, प्रेम संबंधों में तनाव आएगा, हो सकता है इस साल आपकी आय में कमी आ जाए, तो मतलब आप अपने लक्ष्य को ना छोड़ें, कामकाज पर आप ध्यान दें, मतलब कामकाज को लेकर आप ज़्यादा परेशान हैं मीन राशि के लोग, तो वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, कार्य नहीं बन रहा है तो वो बन जाएगा, बस आप लगे रहें, मतलब उसे छोड़ें ना अपने लक्ष्य को। इसके अलावा मित्रों, जीवन से जुड़ी कोई और समस्या है जैसे वशीकरण है, प्यार है, प्यार में धोखा है, प्रेम विवाह है, किया कराया है, गृह क्लेश है, स्वतंत्र दुश्मन से छुटकारा है, पति पत्नी में अनबन है, विदेश यात्रा है, ए टू जेड कोई भी समस्या है तो आप स्वामी जी से सीधे संपर्क कर सकते हैं और अपनी गुप्त परेशानी उन्हें बता सकते हैं। तो मित्रों, मैं आप सभी से उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए मैं आप सभी से विदा लेता हूँ, फिर से एक नए वीडियो में आप सभी से मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, आप सभी का दिन शुभ हो, धन्यवाद।